सिटी इंडिया। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान संगठनों के बीच फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीकेयू जहां दिल्ली कूच पर अड़ा हुआ है और राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहता है, तो वहीं किसान नेता सरवन सिंह पांडे ने इसे साफ तौर पर इंकार कर दिया और इस बात की जानकारी नहीं होने की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे किसान संगठनों में एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। एक संगठन है जो इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दूसरा संगठन ये साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली कूच किया जाए, क्योंकि पांडे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए शांति व्यवस्था कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आने वाले समय में जो है ये किसान आंदोलन किस तरफ रुख करता है। लेकिन असल में बीकेयू नेता नरेश टिकैत ने दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए आज और कल ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। नरेश टिकैत का ये बयान है कि दादरी दिल्ली को जैम किया जाएगा और हरिद्वार से दिल्ली तक ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसान विरोध जताएंगे। वही किसान नेता सरवन सिंह पांडे ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें एसकेएम की तरफ से ट्रैक्टर मार्च का कोई प्रस्ताव ही नहीं मिला। सब ट्रैक्टर हाईवे पर रहेंगे, हाँ कोई जो श्रृंखला है वह हरिद्वार से लगाया को दिल्ली तक टूटने की नहीं, कोई जगह बीच में नहीं रहेगी, सब ट्रैक्टर सड़कों पर रहेंगे। एक दिन का आह्वान हमने कह दिया, सब कह दिया भाई जो किसान है हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक, हाँ सब जिसके जहाँ से जिसके भी नजदीक पड़ेंगे मैं सब हो रहे हैं। देखिए अभी एसकेएम का कोई हमें प्रस्ताव तो नहीं मिला, बातचीत अगर देंगे तो हम करेंगे। हर एक की आज़ादी, हम तो सब देश से जत यूनियन से निवेदन करते हैं कि ये जो मोर्चा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बड़ा मोर्चा जो यहाँ से आह्वान होता है उसको लागू करिए, अगर कोई इसके पैरेलल करेंगे तो ये मोर्चे के लिए उचित नहीं होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेश टिकैत की तरफ से जो कुछ कहा गया है कि आने वाले समय में क्या इस तरीके से दिल्ली कूच किया जाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के लिए किए गए कामों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा किसानों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आप देखेंगे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा देने की, अभी जो गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, ये 107% का इसमें फायदा है, FRP जो तय किया है। इसके अलावा जितनी खरीद हुई कांग्रेस के समय MSP पर खरीद 5.5 लाख करोड़ की हुई 10 साल में, मोदी सरकार में 18,40,000 करोड़ की। और अब एक बड़ी खबर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बता दें, जहां पर एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। मामला लाहौर का बताया जा रहा है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कोई इसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई इसे गोली मारने की बात कहने लगा। भीड़ का कहना था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी है, ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने इश्निंदा की है जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है कि देखिए महिला ने ये ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली ये तस्वीर जहां पर महिला की ड्रेस पर जो है बवाल शुरू हुआ, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महिला को मारने के लिए भीड़ जो है वो किस तरीके से जुट गई, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आखिरकार वहां पर SP पहुंचे और SP ने महिला को किस तरीके से बचाया। क्योंकि दरअसल इस ड्रेस को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था, जो भीड़ थी वो लगातार इस बात को कह रही थी कि महिला ने जो है जो ड्रेस पहनी हुई है उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जिसकी वजह से इसे मौत की सजा होनी चाहिए। जिसके बाद ये बवाल जो है लगातार बढ़ता चला गया। पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचा, SP वहां पर पहुंचे और जैसे SP वहां पर पहुंची इस महिला को बचाया गया। मैंने इसे गोली मारा।
तो सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार होने की वजह से महिला की जान जा सकती थी। आखिरकार वहां पर एसपी पहुंची, लेकिन जान बचाने के लिए महिला और उसके पति एक दुकान में चले गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम में खुद महिला एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी भी शामिल थी। उन्होंने महिला को भीड़ से बचाया और सुरक्षित थाने ले आई। एएसपी सैयदा का कहना है कि महिला ने जो कपड़े पहने थे उसमें अरबी के साधारण शब्द लिखे थे, इसमें कुरान की आयतें नहीं लिखी थी। ये खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पर उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पर मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। हालांकि मामला शांत होने के बाद पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी मांगी, साथ ही कहा कि उसका इरादा किसी को नाराज करना नहीं था और आगे से वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी। वो एक सच्ची मुस्लिम है और कभी भी इश्निंदा वाला काम नहीं करेंगी। तो ये वही महिला है, ये वही ड्रेस आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी। किस तरीके से वहां पर जो कट्टरपंथी थे उन्होंने सीधे तौर पर इस महिला पर इस बात का आरोप लगाया कि इस ड्रेस में जो है कुरान की आयतें लिखी है, जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स हॉट हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देख पुलिस प्रशासन जब वहां पर पहुंचा, किसी तरीके से एसपी ने लोगों को समझाया और महिला को बचाया। मैं इच्छा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है, मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नऊज बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। तो पुलिस ने अरबी में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए मौलवी को थाने बुलाया और उन्होंने बताया कि इस ड्रेस में कहीं भी कुरान की आयतें नहीं लिखी गई है। तो इस पूरे बवाल की जब शुरुआत हुई उसके बाद महिला जब थाने पहुंची तो बकायदा